नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आपको सुपर टेट का सॉल्व करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के हिंदी के 20 प्रश्न देखे थे, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती नाम से आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, जहाँ पर आप इससे पहले के प्रैक्टिस सेट जो है वो देख सकते हैं। आज हम देखेंगे उसके आगे के 30 प्रश्न, जिसमें आपके इंग्लिश के जो है वो 10 प्रश्न होंगे, संस्कृत के जो है वो 10 प्रश्न होंगे और विज्ञान के जो है वो 10 प्रश्न होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, छोटा सा है कि गिव ईच चाइल्ड्स द टूल्स फॉर एडवेंचर, लेट देम बी आर्टिस्ट एंड राइटर एंड मोर, लेट देम फ्लाई ऑन द विंड एंड डांस ऑन द स्टार्स एंड बिल्ड कैस्टल्स ऑफ सैंड ऑन द शोर। तो इस पर आधारित आपका 21 प्रश्न है कि व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ वर्ड एडवेंचर। तो सिनोनिम आपको बताना है, यानी कि समानार्थी अर्थ में जो है, यानी कि समान अर्थ में कौन सा इन चारों में से जो है वो सही होगा। एंटोनिम पूछा गया होता तो आपका विलोम शब्द होता। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका पहला वाला ऑप्शन, एक्सप्लोरेशन। इसका अर्थ पैराग्राफ के आधार पर साहसिक कार्य या कह सकते हैं अद्भुत कार्य, इस टाइप से जो है वो आपका निकल कर आएगा। अगला प्रश्न 22 देखते हैं। यूज द सुटेबल कंजंक्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस आपका क्या है कि ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन डैश ही वर्कड हार्ड। यहाँ पर स्टिल होगा, ऑल्दो होगा, यट होगा या एज होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑल्दो जो है वो हो जाएगा, ऑल्दो ही वर्क्ड हार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं 23 कि इज आई इन द फॉलोइंग सेंटेंस अ पार्ट ऑफ अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। तो आई आपको बताना है यहाँ पर सब्जेक्ट का भाग है, प्रेडिकेट का भाग है, या दोनों है, या नन ऑफ दी। सेंटेंस क्या है आपका? आई शॉट एन एरो इनटू द एयर। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना कौन सा सही होगा। आप सभी जानते हैं कि ये जो है वो आपका सब्जेक्ट है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 24 की तरफ कि पुट इन द करेक्ट प्रोनाउन इन द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस है आपका दे सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। अब इसका चेंज करने के बाद बना है कि दे सेड डैश कैन नॉट लिव विदाउट एयर। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स की जगह दे आएगा, आई आएगा, वी आएगा या यू आएगा। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। ऑप्शन नंबर सी आपका वी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन जो है वो पूछा गया था। अब पढ़ते हैं सेंटेंस की तरफ। तो सेंटेंस में क्या लिखा है? वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर, यानी कि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। और यूनिवर्सल ट्रुथ की कंडीशन में क्या होता है कि चेंज नहीं होता है, इसलिए ये वी जो है आपका वी ही रहेगा। यानी आप कह सकते हैं वी को इनडायरेक्ट नरेशन में जो है वो नहीं बदला जाएगा, इसलिए आपका वी जो है वो उत्तर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 25 की तरफ कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। सेंटेंस क्या आपका कि द गंगा इज फॉर नॉर्थ इंडिया व्हाट डैश कृष्णा इज फॉर साउथ इंडिया। तो द आएगा यहां पर, ए आएगा, एन आएगा या कोई आर्टिकल यूज नहीं होगा। ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके कि इन चारों में से कौन सा जो है वो यूज होगा। वट द कृष्णा, वट अ कृष्णा, वट एन कृष्णा, कौन सा जो है वो सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 26 की तरफ, जो कि पैराग्राफ पर यानी कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पर आधारित है। और पीटर पैन इज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय स्कॉटिश करके जो है आपका ये पैराग्राफ है, और इस पर आधारित प्रश्न 26 दे रखा है। हु वॉज द जे एम पेरी। तो डायरेक्ट मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉवलिस्ट जो है आपका सही हो जाएगा। ये जो है आपको पैराग्राफ पर आधारित जो है वो पूछा गया है, यानी कि पैराग्राफ में ही आपको जो है वो उत्तर मिल जाएगा। और जो नॉवलिस्ट है इसको हिंदी में जो है वो उपन्यासकार जो है वो कहते हैं, और नाटककार के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, जो कि ऊपर पैराग्राफ में बताया गया है, जिसे हम इंग्लिश में प्ले राइटर जो है वो कहते हैं। यदि ऑप्शन में प्ले राइटर भी होता तो भी आपका जो है वो सही होता। अगला प्रश्न 27 है कि राइट द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ लेस। एल ए डबल एस जो है इसका आपको जो है वो मैस्कुलिन यानी कि पुलिंग रूप जो है वो बताना है। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा।
इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपको हम ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लाते रहें। अगला प्रश्न 28 कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या है आपका कि आई मस्ट स्टार्ट डैश डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। तो यहाँ पर इन होगा, एट होगा, ऑन होगा या फ्रॉम होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। तो बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि एट प्रपोजिशन का उपयोग यहाँ पर होगा। आई मस्ट स्टार्ट एट डाउन टू रीच द स्टेशन इन टाइम। अगला प्रश्न 29 है कि आइडेंटिफाई द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस क्या आपका कि वी बिलीव दैट गॉड गिव्स अस माइजरी। तो ये आपको बताना है कि एक्टिव का है, पासिव का है, दोनों है या नन ऑफ दिस। तो चार ऑप्शन है, सही हो जाएगा आपका पहला ही ऑप्शन यानी कि एक्टिव वॉइस में जो है ये दिया गया है। लास्ट आपका इंग्लिश का प्रश्न है, मेंशन अ कॉमन सुइटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। वर्ड आपके दे रखे हैं कम, लैंड, ले, तो आपको बताना है प्रीफिक्स यहाँ पर कौन सा उपयोग होगा। पहले भी मैं बता चुका हूँ प्रीफिक्स आपके उपसर्ग हो जाएंगे जो कि आप कह सकते हैं शब्द के पहले लगेंगे, और जो सफिक्स होते हैं वो आपके जो है प्रत्यय हो जाएंगे जो कि बाद में लगेंगे। अब आपको इसमें जो है प्रीफिक्स बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा और एक वो मीनिंगफुल वर्ड भी होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर आप इन लगाएंगे तो इनकम बन जाएगा, यहाँ पर इन लगाएंगे तो इन लैंड बन जाएगा, और यहाँ पर इन लगाएंगे तो इन ले बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है आपके तीन जो है वो तीनों के तीनों जो वर्ड हैं वो जो है वो बन जाएंगे। बढ़ते हैं चलिए अब अपने संस्कृत के 10 प्रश्नों की तरफ। तो 31 नंबर प्रश्न संस्कृत का है और हम 40 तक जो है वो देखेंगे। प्रश्न है आपका कि कुरंगाहा का पर्यायवाचक शब्द जो है वो कौन सा है। चार ऑप्शन है, अश्व, गज, मृग या वानर, कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी मृगाहा जो है वो सही हो जाएगा, यहाँ पर आप विसर्ग भी जो है वो लगा सकते हैं। अगला प्रश्न 32 कह रहा है कि जो क्षय है या पद है उसका विपरीतार्थक शब्द जो है वो कौन सा होगा। क्षय पद का विपरीतार्थक शब्द आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि वृद्धि जो है इसका विपरीत जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 33 कह रहा है कि पच धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप क्या होगा। इसके लिए आपको रूप याद होने चाहिए, यदि आपको अन्य रूप भी याद हैं तो उसमें आप लट लकार का देख सकते हैं, लगभग इसमें आपको मैचिंग का जो है वो मिल जाएगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी पछत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 34 कह रहा है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। इस पर आधारित जो है वो आपका सूत्र होता है, आपको ध्यान होगा तो पिछली जो 30 प्रश्न थे उसमें भी मैंने आपको इस पर आधारित जो है वो सूत्र भी बताया था, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार जो है आपसे पूछा जाता है। तो बात करें उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंठ जो है उससे उच्चारण होता है, और सूत्र इसका क्या होता है, अकुह विसर्जिया नाम कंठा। तो वहां पर आप देखिए बीच में विसर्ज आ रहा है, तो विसर्ज ही जो है ये विसर्ग को जो है वो दर्शाता है। जितने भी आपके वर्णों के उच्चारण स्थान के संस्कृत में सूत्र हैं उनको अवश्य याद कर लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 35 कि चयनम में कौन सा प्रत्यय होगा, अनम, लेप, वयम या शत। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है चयनम में कौन सा प्रत्यय होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी लेप जो है वो सही हो जाएगा। इन सभी प्रत्यय को आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। अगला प्रश्न 36 कह रहा है कि ते अनन्यस हेतो रत्रागताहा रेखांकित पद में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो रेखांकित से तात्पर्य यहाँ पर जो हाईलाइटेड वर्ड लिखा है उसको लेकर पूछा गया है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि षष्ठी विभक्ति जो है वो प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं 37 कि तब लकारा पद का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी तब प्लस लिकाहा जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 38 कुपुत्राहा पद में कौन सा समास होगा। चार ऑप्शन है, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद या दिगु। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कर्मधारय समास बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 39 दुर्व्यवहारा पद में कौन सा उपसर्ग जो है वो होगा। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि दुर जो है वो उपसर्ग सही हो जाएगा।
लास्ट हमारा संस्कृत का जो प्रश्न है वो पैराग्राफ पर आधारित है, पैराग्राफ आपको दे रखा है उस पर आधारित नीचे प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानस्य आधार भूमि किमस्ति, अर्चना, पूजा, भावना या श्रद्धा, पैराग्राफ पर आधारित है इसलिए मैं डायरेक्ट आपको उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप चाहें तो पैराग्राफ को वीडियो को पॉज करके जो है वो पढ़ भी सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अब अपने विज्ञान के जो है वो 10 प्रश्नों की तरफ। प्रश्न आपका 41 से लेकर आपके 50 तक जो है आप विज्ञान के प्रश्न होंगे। प्रश्न आपका 41 कह रहा है कि निर्जलीकरण क्या है। चार ऑप्शन है आपके पास, निर्जलीकरण को ही डिहाइड्रेशन जो है वो इंग्लिश में कहते हैं, तो आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी एक अणु में से पानी का हटना जो है वो कहलाता है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। अगला प्रश्न 42 कह रहा है कि दो परमाणु के बीच जो बंध है उसकी डैश प्रकृति अधिक होती है यदि उनकी जो विद्युत ऋणात्मकता है उसका अंतर कम होता है, तो ध्रुवीय प्रकृति अधिक होती है, धात्विक प्रकृति, आयनिक प्रकृति या सहसंयोजक प्रकृति। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी सहसंयोजक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। होता क्या है सहसंयोजक, किन्हीं दो परमाणु जो हैं उनमें विद्युत ऋणात्मकता का जो अंतर है वो कम हो तो उनके मध्य बनने वाला जो बंध है वो जो है वो सहसंयोजक बंध, जिसे हम इंग्लिश में कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, वो जो है वो होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 43 कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है, शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजुअन या बैक्टीरियल। तो चार ऑप्शन है, टाइफाइड बुखार को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। उत्तर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरियल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और किससे होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा जो है वो होता है। साल्मोनेला टाइफी नामक जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा टाइफाइड जो है वो होता है और ये जो है वो एक जल जनित रोग है। प्रश्न आपका यहाँ से भी पूछा जाता है कि कौन से जो है वो जल जनित हैं या वायु के माध्यम से फैलते हैं या किसी परजीवी के माध्यम से फैलते हैं, अलग अलग इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न 44 कह रहा है कि एयर बैग का आविष्कार किसने किया था। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एसन जॉर्ड नॉफ, और ये जो है वो बुल्गारिया के जो है वो वैज्ञानिक थे, बुल्गारिया के वैज्ञानिक थे जिन्होंने एयरबैग का आविष्कार जो है वो किया था। और इनको जो है बुल्गारिया में एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का जनक भी जो है वो माना जाता है। इस टाइप से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किनको एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग का जनक जो है वो बुल्गारिया में माना जाता है, तो एसन जॉर्ड नॉफ जो है इन्हीं को माना जाता है और एयरबैग के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 45 कह रहा है कि पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, उच्च तापमान के कारण ऐसा होता है, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है, कम तापमान के कारण होता है या उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा अभी तक वीडियो को आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे प्रश्न जो है वो लाता रहूं। और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार डेली आपको अच्छे अच्छे प्रश्न मिलते रहें, क्योंकि डेली शाम 8 बजे हम प्रैक्टिस सेट जो है आपको इसी प्रकार सॉल्व करा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी कम वायुमंडलीय दबाव के कारण जो है वो ऐसा होता है। ऊंचाई जो है वो बढ़ने के साथ साथ जो दाब होता है वो कम होता जाता है और ऊंचाई पर जो पानी का क्वथनांक होता है वो भी जो है आपका कम हो जाता है। तो यही आपसे पूछा गया था, पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है, तो कम वायुमंडलीय दबाव के कारण हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 46 कि कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है, रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस या रिबोसोम्स या लाइसोसोम। ये रिबोसोम नहीं, ये राइबोसोम होगा, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, और ये लाइसोसोम होगा। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। कोशिका जो है ये जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, इस पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका या जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो कौन है, तो वहां पर आपको कोशिका और इसी प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। और बात करें प्रोटीन संश्लेषण की तो जो mRNA होता है ये जो है वो अमीनो अम्ल को जो है वो ढूंढता है और जो tRNA होता है
ये जो है वो अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक जो है वो लाता है, और जो आरएनए होता है ये जो है वो आपका आरएनए, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ, आरएनए जो है ये जो है वो राइबोसोम पर जो है वो लगे होते हैं और प्रोटीन संश्लेषण जो है उसका कार्य करते हैं। तो तीन होते हैं आपके, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आपका टीआरएनए और एक होता है आरआरएनए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 47 की तरफ कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है, बैक्टीरिया है, मच्छर है, वायरस है या तिलचट्टे हैं। तो पोलियो को लेकर यहाँ पर पूछा गया है, चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, आई होप अब तक आपने सोच लिया होगा। तो वायरस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वायरस जनित जो है ये बीमारी है पोलियो, वायरस के द्वारा जो है वो होती है और यह वायरस जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाकर जो उसकी जो मेरु रज्जु है और जो मस्तिष्क है उसको प्रभावित करती है। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जाता है कि कोई ये रोग जो है, कोई भी रोग आपसे पूछ लिया जाएगा और ये पूछेगा कि किस अंग को प्रभावित करता है, तो वहां पर तंत्रिका तंत्र, मेरु रज्जु, मस्तिष्क, इस टाइप से ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न 48 देखते हैं कि हे फीवर निम्न में से किसका एक संकेत है, वृद्धावस्था का, कुपोषण का, एलर्जी का या अत्यधिक कार्य करना। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एलर्जी जो है वो सही हो जाएगा, ये जो है वो एक प्रकार की मौसमी एलर्जी जो है वो होती है हे फीवर। तो मौसमी एलर्जी होती है, इसमें जो नाक होती है वो प्रभावित होती है और इसी को एलर्जिक राइनिटिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। मैं स्पेलिंग लिख देता हूं, ALERGIC, एलर्जिक और RHINITIS, राइनिटिस। तो ये जो है इसी को नाम से, इसी नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 49 की तरफ। प्रश्न है अगला आपका 49 की, निम्न में से कौन सी बात ब्रायोफाइटा के बारे में सच नहीं है। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। तो ब्रायोफाइटा जो है वो भ्रूण बनाने वाले जो पौधे होते हैं एम्ब्रियोफाइटा उसका जो है वो समूह होते हैं और इनका जो प्रमुख चरण होता है वो युग्मकोद्भिद जो है वो भी होता है और पौधे का जो मुख्य शरीर अगुणित होता है, इनके जो बीजाणु होते हैं वो होमोस्पोरस जो है वो भी होते हैं। तो आपके ऊपर वाले तीनों ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे कि प्रमुख चरण गैमेटोफाइट्स भी होता है, पौधे का मुख्य शरीर अगुणित भी होता है और बीजाणु होमोस्पोरस भी होते हैं परंतु फूल इसमें मौजूद होते हैं, ये आपका जो है वो सच नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, और प्रश्न आपका 50 है कि N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं। इसके अलावा यदि आपने सुपर टेट वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में शिक्षक भर्ती नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसको अवश्य देखिएगा, उसमें बहुत से प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने के लिए मिल जाएंगे। प्रश्न आपका क्या था, N2 में कितने एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े मौजूद होते हैं। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 एकल इलेक्ट्रॉन जोड़े जो है वो होते हैं। परमाणु क्रमांक जो है इसका 7 और परमाणु भार जो है वो 14 होता है। खोज इसकी जो है वो 1722 में रदरफोर्ड जो है उन्होंने की थी। इसके साथ साथ जो उपयोग है इसका कहाँ होता है, तो उर्वरकों में होता है, औषधि में होता है, वायुयान के जो टायर होते हैं उनमें भरने के लिए भी होता है। तो ये अलग अलग जो है ये उपयोग में आती है। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले वाले पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। इसी प्रकार डेली अच्छे अच्छे प्रश्न पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो मैंने ऊपर एक प्रश्न इंग्लिश में पूछा था उसे वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।